हाय दोस्त, वेलकम टू माय चैनल अविनाश कुमार मैथ्स वाला। तो आज हम काफ़ी दिन बाद आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हम आज फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो किसी कारण से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, तो चलिए अपने चलते हैं फ्रैक्शन पर पढ़ेंगे। आज मेन टॉपिक है, मान लीजिए मैथ का आप समझिएगा कि शाम समाप्त कर देंगे, तो फ्रैक्शन आपके सामने जब भी फेस करेगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो देखिए आपको फ्रैक्शन पढ़ना है, तो देखिए मैथ को पढ़ने से पहले आपको टॉपिक बनाना होगा, क्योंकि आप कोई काम करते हैं तो उसमें टॉपिक बनाइए, हमको क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक को हमको कंप्लीट कर ही हटना है। तो आज हमको एक टॉपिक हमने बनाया है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन जब भी आपके सामने आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन को पढ़ना है, तो फ्रैक्शन अब क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए हम फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं, आप और फ्रैक्शन हो गया भी, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन का हम पार्ट पढ़ेंगे, उस पार्ट में जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, जो हमारे लिए उपयोग है, जो इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के पार्ट हम जान जाएंगे, ठीक है। तो उस पार्ट में फ्रैक्शन का जो पार्ट होता है तीन होता है, पहला सिंपल होता है, ठीक है। तो सिंपल जो होता है तो सिंपल के पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना जो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन के पार्टों को पढ़ा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, ठीक है। बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है। तो देखिए फ्रैक्शन का सबसे पहला पार्ट जान जाइए, फ्रैक्शन का पार्ट जान जाइए। पहला होता है हमारा, मतलब इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, और देखिए दूसरा हमारा होता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और देखिए चौथा जो होता है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत फ्रैक्शन। तो देखिए हमने फ्रैक्शन के पहले क्या किया, फ्रैक्शन एंड भिन्न का हमने पार्ट लिखा, तो उसका भाग लिख दिए। सिंपल फ्रैक्शन एक साधारण भिन्न, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, और तीसरा कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न, ठीक है। तो देखिए हमको एक मतलब टॉपिक बनाना पड़ता है, मैथ में एक टॉपिक बनाना पड़ता है, उस टॉपिक के अनुसार हमको पढ़ना होता है। तो हमने आज टॉपिक आपके लिए बनाया है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में टॉपिक बनाया है सिंपल फ्रैक्शन, और सिंपल फ्रैक्शन के हम पार्टों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यह आप सब या इन सब का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी इसमें यह है, ठीक है। और ऐसे भी लाइन से चलेंगे तो फ्रैक्शन, उसके बाद सिंपल फ्रैक्शन आता है। तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन जो होता है हमारे पाँच प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन हमारे पाँच प्रकार के होते हैं, आप तो फ्रैक्शन में पढ़ेंगे अलग अलग बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में हमारे पांच प्रकार होते हैं, ठीक है। उन पांचों के यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अलग से अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उन सबको जानने के लिए हमको मतलब ज़्यादा समय देना होगा, ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन जो है हमारे पाँच प्रकार के होते हैं, तो ठीक है। तो हम नाम लिख रहे हैं, पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी हम सब एग्जाम्पल कराएंगे। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, चौथा आता है लाइक, और ये पांचवा आता है अनलाइक। देखो दोस्तों हमको क्या पढ़ना था, फ्रैक्शन टॉपिक हमने बनाया था, मान लीजिए आप टॉपिक लिख लीजिए, कोई पढ़ने से पहले टॉपिक लीजिए, फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन पांच पार्ट, यह जो है ना यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको जानना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अचानक क्या होता है, एक और इसमें जानने की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब 9th, 10th, 11th, 12th जो भी क्लास ले लो, जानते तो सब कुछ है लेकिन भूल जाते हैं कि किसको हम न्यूमिनेटर और किसको डेनोमिनेटर, किसको हर और किसको अंश बोलते हैं। तो एक आप मान लीजिए ट्रिक के अनुसार पढ़िए, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, अंश अपॉन हर। तो देखिए अचानक क्या होता है, इसको हम भूल जाते हैं किसको अंश और किसको हर बोलते हैं। तो आप अपने पास से मैथ को पढ़ना है तो अपने पास से कोई इसमें तकनीकी लगा लीजिए, किसको अंश और किसको हर बोलेंगे। देखिए जो हार जाता है उसको हमेशा सदैव जानते हैं, जो हारता है उसको नीचे रखते हैं,
तो आप यूं जानिए कि हर जो है हारा हुआ है इसको नीचे रखे हैं, हर क्या है इसको नीचे रखे या हार गया है ना, और इसके पास अंश ऊपर रहेगा, ठीक है। न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर यही आपको जानना है, अक्सर लोग जानते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। ये अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो बहुत इसमें थोड़ा कन्फ्यूज आदमी कन्फ्यूज में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अंश और हार हमने बताया, तो प्रॉपर यानी उचित भिन्न, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, लाइक समान अनलाइक असमान, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर क्या बोलता है, प्रॉपर कहता है कि हम सदैव सदैव क्या रहेंगे, हर से कम रहेंगे, या सदैव हर कहता है हम अंश से ज़्यादा रहेंगे। या एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल इसका 3/5, 4/6, 8/9। देखिए यह क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी देखिए जितने इसमें क्या है डेनोमिनेटर, यानी डेनोमिनेटर क्या है हमारा हर, हर जो है ज़्यादा है किससे, अंश से, न्यूमिनेटर से क्या है ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है। और इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न क्या होता है, हम इसके विपरीत रहते हैं, मतलब विपरीत रहता है क्या होता है, या नीचे जो है हर, हर जो है या क्या रहता है हमेशा कम रहता है किससे, अंश से। तो इसको आप उल्टा लिख लीजिए, इसी को एग्जांपल में ले लीजिए, इसी को एग्जांपल में लेंगे तो 5/3, 6/4, 8/9 हो गया, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है, एक वास्तविक संख्या के साथ इसको लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में एक वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए इसको 6 combination 1/2, 4 combination 3/2, ठीक है। ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, देखिए इसमें मिक्स्ड है, एक वास्तविक संख्या उसके बाद से एक भिन्न है, और भिन्न इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो कोई भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने लिख दिया 3 combination 1/2, 4 combination 2/5, ये सब क्या है मिक्स, इसको हम रफ कर दें, ठीक है, इसको साफ थोड़ा कर दे रहे हैं। इसका मान लीजिए 5 combination 2/3, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 6 combination 1/1, ठीक है, ये सब क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ये सब मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर 1/1 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तो ये सब मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए अब मिक्स फ्रैक्शन से कभी कभी सवाल पूछ देता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर या प्रॉपर कोई भी मतलब किसी भी रूप में आप इसको चेंज कीजिए, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या होता है इसमें, हम इसको बहुत लोग 5 सही 2/3 सही पढ़ते हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, अपान बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे, मान लीजिए इसमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं, तो 3 5 15 और 2 17, यानी 17/3, ये हमारा क्या हो गया, किसमें चेंज हो गया, देखिए ऊपर का ज़्यादा है, ऊपर का ज़्यादा किस में रहता है, इम्प्रॉपर में रहता है, अभी तो बताएं ऊपर हमेशा ज़्यादा रहता है नीचे कम रहता है, ठीक है, ऊपर क्या रहता है बड़ा और नीचे छोटा रहता है, इसमें ऊपर छोटा रहता है और नीचे बड़ा रहता है।